वेलकम टू जी कवर। देखिए ये जो सेकंड वीडियो है आपका फास्ट रिवीजन वाला जो क्रैक कोर्स मैंने बताया था, और इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, कुछ यूपी से रिलेटेड, यूपी स्पेशल से, और कुछ आपके हैं संविधान से। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलाहाबाद है ये आपके जो टॉपिक में क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते क्या है कि इलाहाबाद जो है ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, नाम याद रखिएगा, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये तीनों ही नगर क्या हैं, गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, और आपके राजघाट, कानपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और गाज़ीपुर, ठीक है, ये सभी कहाँ हैं, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और आपका मथुरा, वृंदावन, हमीरपुर, कौशाम्बी और बटेश्वर, ये सभी कहाँ बसे हुए हैं, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, 1857 के विद्रोह में महान व्यक्तित्व एवं उनके नेतृत्व, ये भी कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए लखनऊ से किन्होंने नेतृत्व देखा था, तो ये देख किया था अपने बेगम हजरत महल ने, लखनऊ से रिलेटेड इनका। ठीक है, झांसी से किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने, और आपका कानपुर से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और आपका लखनऊ से, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कानपुर से किसने किया था, ये आपका नाना साहब ने किया था, और फिर ये फैज़ाबाद से किया था मौलवी मोहम्मद अल्लाह जी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और कालपी से तात्या टोपे ने। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो आपको छोटी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे और आपको जीएस वाले में भी मिल सकते हैं। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। देखिए कबीर दास की जो थे यहाँ के साहित्यकार, उत्तर प्रदेश के ही थे, तो इनकी जो रचनाएँ हैं आपकी शाखी, शबद और रहमानी। ठीक है, ये तीनों रचना इनकी थी, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि सूरदास, तो सूरदास की थी आपकी सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि गोस्वामी तुलसीदास, तो इनकी है रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये मुंशी इंसा अल्लाह कहाँ के हैं, जो रानी केत की कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और प्रेमचंद का आपका है गोदान, गमन और सेवा सदन, निर्मला और कर्मभूमि। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि महाकवि भूषण, तो ये आपके शिवराज भूषण और छत्रशाल दशक। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि महादेवी वर्मा, मोस्ट आईएमपी हैं ये, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो महादेवी वर्मा की क्या है, नीरजा, गिल्लू, यामा, अतीत के चलचित्र। ठीक है, ये रचनाएँ इनकी है, बहुत अच्छी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी, तो इनकी है मधुकलश, नीर का निर्माण या फिर मधुशाला, ये रचनाएं हैं इनकी बहुत स्पेशल, इन सबको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर और उनके उपनाम, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। देखिए क्या कहते हैं, नवाबों का शहर, ठीक है, बागों का शहर और नज़ाकत नफासत का शहर, तो ये कहते हैं लखनऊ को। ठीक है, नेक्स्ट कहिए घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी और मुक्ति नगरी, और पांडव का नगर कहते हैं वाराणसी को। ठीक है, और संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज या प्रयाग, ये कहते हैं इलाहाबाद को। ठीक है, और आपका है बर्तनों का शहर या फिर पीतल नगरी। ठीक है, बर्तनों का शहर या पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को, ताला नगरी बोलते हैं अलीगढ़ को। ठीक है, और काशी की बहन बोलते हैं गाज़ीपुर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के नाम भी देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए एक झील का नाम तो ये है मालवा ताल, ठीक है, फिर आपका है मानस गंगा झील, फिर आपका है गिरी ताल झील, फिर आपका है गोरख झील, फिर आपका है करेला झील, ठीक है, और एक आपका है चंदेला झील। तो ये झीलें हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, तो इनसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है रिहंद, तो रिहंद बांध परियोजना जो है ये आपका सोनभद्र ज़िले से पीपरी नामक स्थान पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि शारदा परियोजना, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। फिर आपकी रामगंगा परियोजना, फिर आपकी है गंडक परियोजना। देखिए परियोजना के साथ उनकी नदियों के नाम भी याद रखती है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपका शारदा नदी, फिर रामगंगा, फिर आपकी गंडक, फिर आपका घाघरा परियोजना, फिर आपकी गोविंद बल्लभ
सागर परियोजना, ठीक है, फिर आपकी है माता टीला परियोजना, फिर आपकी शारदा सहायक परियोजना, और फिर आपकी है ओबरा जल विद्युत परियोजना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, ओबरा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए कुछ, मेरठ हो गया, फिर गाज़ियाबाद हो गया, फिर गौतम बुद्ध नगर हो गया, फिर आपका हापुड़, फिर बुलंदशहर, बागपत, और अभी हाल ही में शामिल हुआ है शामली। ये सभी वो नगर हैं उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि वर्तमान में जो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो टोटल कितनी है, 404 है, जिसमें से 403 प्लस एक जो है मनोनीत एग्लो इंडियन का है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपकी है 80, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक। नेक्स्ट क्या कि प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपकी है 31, और पद के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये आपका होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये आपका होता है राष्ट्रपति। और नेक्स्ट क्या है कि किसी बिल विधेयक को धन विधेयक में प्रमाणित करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि किसी बिल विधेयक को धन विधेयक में प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर, याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो जोड़े गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से। और एक बात याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका कि संसद के दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, तो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। और किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो संविधान में संशोधन का जो अधिकार देता है वो देता है अनुच्छेद 368। और याद रखिएगा कि संविधान के अंदर जो संविधान संशोधन होते हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये प्रावधान, तो ठीक है, इसको याद थोड़ा से रखिएगा। और क्या है, जीवी मालंकर जो थे भारत की जो पहली लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये थे जेपी कृपलानी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन तो पक्का श्योरिटी बनते ही हैं संविधान के अंदर, तो थोड़ा से अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, भारत की कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति की, तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ठीक है। और अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग जो चलाया जाता है किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और त्याग पत्र जो उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति, ठीक है। और कार्यकाल जो होता है इसका कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी पर ही क्या है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। और दिल्ली एवं पांडिचेरी, ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि श्री रामनाथ कोविंद जी हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, और वर्तमान में इनका जो वेतन है ये थोड़ा सी चेंज हो चुका है, तो उसको याद रखिएगा। तो वर्तमान में जो वेतन है इनका 5 लाख रुपये है, इसको थोड़ा सी याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि भारत का महानियमवादी, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। तो अनुच्छेद जो 76 के अनुसार महानियमवादी की नियुक्ति के प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि नियुक्ति जो कौन करता है, ये राष्ट्रपति ही करता है इनकी, और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि किसी सदन का सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, भारत सरकार के संबंधी मामलों को लेकर कहाँ जाता है, ये उच्च न्यायालय में पेश होता है। तो ये सभी इनके बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो इनको थोड़ा सी याद रखिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनसे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और न्यूनतम आयु इनकी भी होती है 35 वर्ष की, और 5 वर्ष का कार्यकाल इनका भी होता है। और वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू जी हैं भारत के राष्ट्रपति, और वर्तमान में इनका वेतन भी याद रखिएगा, ये है आपका 4 लाख रुपये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि राज्यपाल के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, इनसे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा कि नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राज्यपालों की, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्या है कि विवेका अधिकार केवल राज्यपाल के पास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जो विवेका अधिकार क्या होता है, जो सिर्फ राज्यपाल के पास होता है, जैसे कि अभी आपने देखा था कर्नाटक में बीजेपी की जो सीट थी ज़्यादा थी, ठीक है। तो एक विवेका अधिकार क्या इस्तेमाल होता है राज्यपाल का, कि वो चाहे तो मुख्यमंत्री मतलब अपने विवेका अधिकार से नियुक्त कर सकता है किसी बड़ी पार्टी का, ठीक है। तो बीजेपी कर्नाटक में एक बड़ी पार्टी थी, तो सब लोग देख, आपने भी चैनल पर भी देखा होगा कि सब कह रहे थे कि देखिए राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं, अगर राज्यपाल चाहते तो वो जिनको चाहते वो राष्ट्रपति सॉरी मुख्यमंत्री चुन सकते थे, ठीक है। तो ये विवेका अधिकार है इनका, और ये सिर्फ राज्यपाल के पास है, किसी के पास नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। और इनकी भी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष की होती है, और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, ये हैं श्री राम नाइक जी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि मुख्यमंत्री, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री जो त्याग पत्र अपना देता है, वो किसे देता है, ये भी राज्यपाल को ही देता है। नेक्स्ट क्या है कि मुख्यमंत्री को शपथ जो दिलाता है, वो कौन दिलाता है, ये राज्यपाल ही दिलाता है। तो मुख्यमंत्री से काफ़ी रिलेटेड है राज्यपाल, आपके अच्छे क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और अनुच्छेद 163 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के प्रावधान हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईपीएल, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस परीक्षाओं में, ठीक है। तो आपको आईपीएल के टीमों के जो कप्तान हैं, इनके नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या देखिए, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के जो थे, ये आपके विराट कोहली थे, ठीक है। और चेन्नई सुपर किंग के हैं महेंद्र सिंह धोनी, और मुंबई इंडियंस के हैं रोहित शर्मा, और किंग इलेवन पंजाब के जो हैं, ये आपके हैं रविचंद अश्विन, ठीक है। और राजस्थान के जो हैं, ये हैं अजिंक्य रहाणे, और सनराइजर्स हैदराबाद के हैं केन विलियमसन। और दिल्ली डेवल्स का देखिए क्या है, थोड़ा सी आपने मुझे कमेंट भी किया था कि देखिए कप्तानी इनकी तो स्टार्टिंग में गौतम गंभीर को ही मिली, बाद में चेंज हुआ, तो क्वेश्चन का चेंज होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि अगर स्टार्टिंग की बात करी जाए तो दिल्ली डेविल्स के जो कप्तान थे वो गौतम गंभीर ही थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सी आप याद रखिएगा, बाकी आपके सभी के जो कप्तान, इनके नाम याद रखिए, क्योंकि आईपीएल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार की विजेता टीम तो आपको पता ही होगी, चेन्नई सुपर किंग, तो उसको भी आप थोड़ा सी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है विजेता टीम जो है चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों से क्वेश्चन तो श्योरिटी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं क्या है कि देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के जो प्रारंभ हुआ है, ये 4 तारीख को हुआ था आपका, 4 अप्रैल 2018 से, और इसका जो समापन हुआ था ये हुआ था 15 अप्रैल 2018 से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये हुआ कहाँ पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया गया, ठीक है। और भारत
कि कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो लिया था 217 खिलाड़ियों ने भाग लिया था इस गेम में, और 2018 के गोल्ड कोस्ट में क्या कुल 71 देशों ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है दोनों याद रखिएगा। भारत के खिलाड़ियों की बात की जाए तो 217 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और टोटल मतलब देशों की बात की जाए तो ये 271 देशों ने भाग लिया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि 198 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है, तो 2018 के गोल्ड कोस्ट में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक है, और सेकंड स्थान पर कौन रहा, 136 पदक जीतकर इंग्लैंड, ठीक है, और थर्ड स्थान पर रहा इस बार भारत, इसने कुल 66 पदक जीते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखिएगा। और एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि मतलब कितने पदक जीते इस बार, गोल्ड पदक कितने जीते हैं भारत ने, तो कुल 26 गोल्ड पदक जीते हैं इस बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और परेड की शुरुआत जो की थी, ये की थी पीवी सिंधु ने, ये भी पूछा जाता है कि परेड की शुरुआत किसने की, तो याद रखिएगा परेड की शुरुआत की थी भारत की ओर से पीवी सिंधु ने, ठीक है, और जो समापन कार्यक्रम दिया था ये एमसी मैरी कॉम ने दिया था, और भारत की परेड का जो स्थान था 38वां था, इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। और भारत ने सर्वाधिक जो पदक जीते हैं वो इस बार जीते हैं निशानेबाजी में, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो उसको भी देख लीजिए। देखिए राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर है, ये आपका है लखनऊ में, ठीक है, तो याद रखिएगा कि राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक कार्यालय है ये आपका है लखनऊ में, और न्यायिक कार्यालय की बात की जाए तो ये आपका है इलाहाबाद में, ठीक है। और भू अभिलेखों के रख रखाव का जो उत्तरदायित्व होता है किसके पास होता है, ये जिला अधिकारी के पास होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, 1831 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व का परिषद का जो गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1831 में। और चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश में, तो ये हुई है 1954 में, ठीक, तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि राजस्व विभाग का मुख्य प्रशासक कौन होता है, तो ये होता है राजस्व सचिव, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखेगा। और राजस्व विभाग का विभागाध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है राजस्व परिषद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन याद रखेगा। नेक्स्ट क्या कि उत्तर प्रदेश में प्रथम केंद्रीय कारागार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये आपकी की गई थी बरेली के अंदर, ठीक है। और वर्तमान में कुल कितने केंद्रीय कारागार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कुल 6 केंद्रीय कारागार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के बजट से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया है, यहाँ के वित्त मंत्री कौन है, राजेश अग्रवाल जी, इन्होंने पेश किया, ठीक है, और कहाँ किया, विधानसभा में पेश किया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेगा। और भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण करने का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा था इस बजट का, ठीक है, तो जो भू अभिलेख है उनका क्या कंप्यूटराइजकरण किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है इस चीज़ में, तो इसको थोड़ा सा याद रखेगा, ठीक। और विवाह पंजीकरण जो है उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, तो थोड़ा सा याद रखेगा। और 181 वुमेन हेल्पलाइन स्कीम की व्यवस्था की गई है इस बजट के अंदर। और कॉल सेंटर की जो क्षमता थी पहले क्या थी, 0.6 मीटर यानी 6 मीटर की थी, जिसे बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है, 30 मीटर कर दी गई है, ठीक है। और उस शिक्षा के लिए जो अहल्याबाई निःशुल्क योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि उस शिक्षा के लिए अहल्याबाई निःशुल्क जो शिक्षा योजना है उसमें 21 करोड़ की धनराशि दी गई है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये याद रखना है कि अहल्याबाई निःशुल्क जो शिक्षा योजना है ये किसकी है, उस शिक्षा के लिए, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा। और पावर ऑफ ऑल योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखेगा। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कुछ करंट अफेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो सबसे बड़ा तो तितली पार्क खोला गया उत्तर प्रदेश के अंदर, कहाँ खोला गया, ये खोला गया है गुरुग्राम में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो पुलिस महानिदेशक कौन है, तो इस समय है आपके ओम प्रकाश रावत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको याद रखिएगा। और भारत भारती सम्मान इस बार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया डॉक्टर आनंद प्रकाश जी को, ठीक है। और मदरसों के लिए एनसीईआरटी की जो बुकें होती हैं वो अनिवार्य कर दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश और दक्षिण कोरिया के बीच क्या है, कौशल विकास समझौता हुआ है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि बिना इजाज़त लाउड स्पीकर बजाना जो है उत्तर प्रदेश में बैन हो गया है, ठीक है, क्या बिना इजाज़त आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, और अगर बजाते हैं तो दूल्हा जेल जाएगा, ये प्रावधान कर दिया गया है, तो आपको इजाज़त लेनी ही पड़ेगी कहीं भी स्पीकर बजाने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्या कि दस्तक अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दस्तक अभियान की शुरुआत की गई थी जो जापानी इन्फ्लुएंटिस एक बीमारी होती है इससे निपटने के लिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और 16 फरवरी 2018 को दूसरा वार्षिक बजट पेश किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा कि दूसरा वार्षिक बजट कब पेश किया गया, तो 16 फरवरी 2018 को, ठीक है। और 27 मार्च 2018 को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि 27 मार्च 2018 को यूपी कोका विधेयक पारित किया गया। ये पहले कहाँ था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये मुंबई में था, अब महाराष्ट्र में, और अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए तो वो आपका महाराष्ट्र होगा और दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि शहीदों के गाँव को जोड़ने के लिए गौरव पथ योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके रिवीजन के। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और आई होप आपके वीडियो पसंद भी आएगा, अगर आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।